Now breathe deep into your belly and become aware of where you are and how old do you feel you are? Maybe 3 years. 3 years older? Oh, good. What are you wearing? Easy clothes. Easy clothes. Excellent. What are you wearing on your feet? And what advice would your future self have for you? Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. Excellent. आप अब ये मेरे को बताइए कि सबको उत्सुकता ये रहेगी जानने के लिए कि future life progression क्या है, मतलब ये how is the difference from past life regression? It's not much difference. We go to the past here. हाँ? We will see the future. आगे life क्या है? हाँ जी, जैसे दो साल आगे, पांच साल आगे, दस साल आगे, क्या होगा? अच्छा. How will my relationship with this person be after so many years? Okay, if somebody wants to buy a house, okay, they're thinking of buying a house. Where will I be living? What will my house be like? अच्छा, मतलब घर का भी पता चल जाता है. अब आपने future life progression किया इनके, तो क्या आउटकम निकल के आया? आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगी या क्या कुछ बोलना चाहेंगी? नमस्कार. आज हमारे बीच में वापस से त्रिशिया सिंधु हैं. वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बताएंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो सब कराते हैं पर फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन बहुत कम लोग कराते हैं. पर ये है कि आपकी फ्यूचर कैसी होने वाली है वो आप थोड़ा सा तो ठीक कर ही सकते हैं अगर ये रिग्रेशन थेरेपी कराएं. इनसे अब ये जानेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन थेरेपी में क्या फ़र्क है. पास्ट लाइफ तो आपको मैंने बता दिया ना कि हाँ. जो इसी टाइम पे इसी मोमेंट में जो इश्यूज है रिलेशनशिप या करियर, मनी, हेल्थ, ये सब घर में झगड़ा वगैरह, कलेश वगैरह, ये सब. हाँ जी, टू फाइंड आउट द रूट कॉज. एंड देन वी कैन करेक्ट इट. हाँ, कि भाई थोड़ा सा बता दोगे कि आप ऐसे करो, ये करो और आपका लाइफ. पर आप अब ये मेरे को बताइए कि सबको उत्सुकता ये रहेगी जानने के लिए कि फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन क्या है, मतलब ये हाउ इज द डिफरेंस फ्रॉम पास्ट लाइफ रिग्रेशन. इट्स नॉट मच डिफरेंस. वी गो टू द पास्ट हियर, वी विल सी द फ्यूचर. आगे लाइफ क्या है? हाँ जी, जैसे दो साल आगे, पांच साल आगे, दस साल आगे, क्या होगा? मे बी 20 इयर्स डाउन द लाइन. हाँ, जैसे जिसकी जितनी उम्र है मतलब उस हिसाब से. अच्छा, हाउ विल माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन बी आफ्टर सो मेनी इयर्स? ओके, इफ समबडी वांट्स टू बाय अ हाउस, ओके, दे आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, वेयर विल आई बी लिविंग, व्हाट विल माय हाउस बी लाइक. अच्छा, मतलब घर का भी पता चल जाता है तो लोगों को ये भी बहुत रहता है, क्योंकि ये ना मतलब 30 या 40 की उम्र में रहता है कि भाई हमारा घर कब होगा, हमारा घर कब होगा. तो पास तो पता नहीं चलेगा, पर फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपका गेट मैरिड टू मैरिड. अच्छा, ये भी अच्छा, इंटरेस्टिंग. हाँ, तो आप देखिए फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कराइए, आपको पता चल जाएगा कि आप किससे शादी करने वाले हैं, आपका घर कहाँ होगा, कैसा होगा, और आप कितना पैसा होगा. यस, कितना पैसा होगा. ऐसे, क्योंकि पैसा ही आजकल जो कि मैं समझती हूँ भगवान है आजकल. बिकॉज विदाउट मनी लाइफ में लोगों के सेटिस्फेक्शन ही नहीं है. एक्चुअली तो मतलब भगवान से यही, मतलब वेन वी ग्रेटिट्यूड करते हैं भगवान को तो यही कहते हैं कि यू हैव गिवन अस अबंडेंस, राइट? तो इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये बताइए कि जो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन है ये करंट लाइफ में बहुत मदद करती है, जो अपनी जो अभी वर्तमान जिंदगी जी रहे हैं, और इसमें मैंने अगर फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन थेरेपी कराई तो क्या मेरी लाइफ में मदद करेगी ये? हाँ जी, आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए टू गेट दैट लाइफ व्हिच यू आर सीइंग. अच्छा अच्छा, इफ इट इज अ गुड लाइफ. अगर ये यंग में कराएं तो उनको पता चलेगा, एट माय एज तो ये पता चलेगा कि मेरे को आगे का जो अपनी जिंदगी है वो कैसे मैं को व्यतीत करनी या ठीक कर सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. सो यू गेट द आंसर्स, यू मीट योर फ्यूचर सेल्फ. अच्छा, आप योर फ्यूचर सेल्फ आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए. अच्छा, अगर चैलेंजेस हैं तो आप यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, डू समथिंग एल्स सो दैट यू नो
टू लेसन द मतलब वो जो कुछ भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या संकट आ रहा है वो कम हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर अच्छी लाइफ है निकल के आए तो देन यू नो व्हाट टू डू. व्हाट टू डू. यस. ओके ओके. एंड कोई भी मतलब आके जो बाद के रिलेशनशिप हैं वो भी पता चल जाएंगे कि you will see, मतलब ये भी पता चल जाएगा कि किसके संग हमारे संबंध अच्छे हैं. मतलब रिश्तेदारों के ये भी पता चल जाएगा कि किस रिश्तेदार के संग संबंध अच्छे हैं किसके संग संबंध अच्छे नहीं है. बिल्कुल. पता चल जाएगा. ओनली यू हैव टू बी केयरफुल दैट फ्यूचर यू नो जस्ट लाइक जब टैरो एस्ट्रोलॉजी नाड़ी वाला और जो क्या है न्यूमरोलॉजी ये सब ना दे विल टेल यू द फ्यूचर बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली. इट विल बी सम व्हाट सम थिंग्स विल कम ट्रू सम थिंग्स विल नॉट बी देयर यू नो बिकॉज़ यू हैव फ्री विल. फ्री विल होता है. हाँ फ्री विल होता है. खुद की इच्छा भी होती है और उसको आप करके उसको फ्री विल को करके आप अपना देन यू कैन चेंज योर फ्यूचर आल्सो. हां डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल. सो यू डोंट सी व्हाटएवर फ्यूचर यू सी डोंट सी दैट आई एम गोइंग टू have that future. Uh-huh. Because you can also change it by your actions. Actions से जो अपन कार्य करेंगे उससे भी बदल सकते. And there are so many probable futures, not only one. Uh-huh. If you do this, your future path will change here. If you do that, it will go another path. So, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं पर क्या होता है कि future life progression अगर therapy करवाते हैं तो क्या मतलब इसमें मतलब कितना एग्जैक्ट निकल के आ जाता है कि भाई हाँ कि मतलब कुछ ठीक कर सकते हैं. जैसे फ्री विल तो इज ऑलवेज देयर पर मतलब कुछ निकल के आ जाए और उसमें और विल डाल दें अपना ताकि वो अच्छा बन जाए. ये हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा बिल्कुल हो सकता है ये सब. त्रिशिया एक व्यक्ति हैं जो कि आपसे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कराना चाहते हैं. सो वो आप संग हम भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे थेरेपी होती है. लाइव भी लोगों को दिखाएंगे तो चलिए हम ये थेरेपी के लिए चलते हैं. Now breathe deep into your belly and become aware of where you are. Just look at the door that you entered through. There is a mirror hanging on it. Look at this mirror. You will see your reflection, an older, wiser, more evolved version of you standing there. And how old do you feel you are? Maybe 3 years. 3 years older? Oh, good. What are you wearing? Easy clothes. Easy clothes. Excellent. What are you wearing on your feet? Sport shoes. Sport shoes? Great. What is the surface that you're standing on? Open, green, like mountain. Oh, you're somewhere in the mountains outside. Lovely. And it must be cool there, isn't it? Yes. Yes. I'd just like you to turn around and take in your surroundings. No choosing or questioning. Tell me what you see around you. Nature. Nature. All right. It's a beautiful place. Very beautiful. Very beautiful. Okay, excellent. Are there any other people around? Yes, some visitors. Visitors. Do you know them? No. You don't know them. No. So you're a visitor too, aren't you? Yes. Do you know the name of this place? Okay, just allow a name to come across your mind. The first name that comes of a place or a country. Abroad. Abroad, okay. All right, what are you doing here? Have you come here? Oh, just to visit. Just traveling. All right, where are you? By the sea.
guess. Where? By the sea. By the sea. All right. So what are you doing there by the sea? Is something happening? Holiday. Holiday again? All right. And what advice would your future self have for you? Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy. Excellent. And are there any warnings that your future self has for you? Nothing? All right. I want your present life self to thank your spirit guide and your future self. Thank your future self for the advice he has given you. And in a moment, we will return. And you can move now, bringing all parts of you, moving slowly back to that door, to that silvery door. And when you're ready, you can slowly open your eyes, come back to the present. But all the lessons and advice that you've been given. So, Trishya, आपने इन व्यक्ति के ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो इन्होंने पहले करा रखा था, अब आपने फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया इनके, तो क्या आउटकम निकल के आया? आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगी या क्या कुछ बोलना चाहेंगी? क्योंकि ये तो एक्चुअली सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, तो इनको तो पता चलता नहीं है कि क्या निकल के आया है, पर आपको तो कुछ निकल के इनके बारे में कुछ पता चला होगा कि जो इनको बताना चाहती हैं और कैसे अपने आप को आगे लाइफ को बढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से. नहीं, उसने जो देखा है सिर्फ हॉलीडेज इधर गया, हॉलीडे उधर गया, अच्छा, वैसे देखा है. सो जो एडवाइस मिला है उसका फ्यूचर सेल्फ से, फ्यूचर सेल्फ ने उसको बताया कि डोंट वरी सो मच, ओके, एंजॉय लाइफ. ओके, तो ये भी बोला कि आई शुड हैव डन दिस अर्लियर. Uh-huh. जो मतलब हॉलीडेज पार्टीज ये ऐसे ऐसे मतलब बोला कि he was busy with the self. Yeah, he was, I think, जो शुरू के इनिशियल इयर्स हैं, he was putting into the work and all. Yes, now so, he's going to enjoy himself. Yes. Okay. And then he also saw grandchildren in the future. Okay. Yeah. Okay. And he's very excited about that, I think. Okay. That is it. Okay. So what advice like you will give? Ki he should not worry about the future, like, and yes, he should. Yes. That enjoy is the advice life. That not from me, but from his future self. Okay. And from his spirit guide said, don't worry so much. I mean, just go and enjoy yourself. So enjoy yourself. Thank you, Trishya. आपने बहुत अच्छा फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन बताया इन व्यक्ति के ऊपर, और मैं जाऊंगी कि सब इस प्रोग्रेशन थेरेपी से मतलब एक बार गुजरें, ताकि अगर आपकी उम्र अगर यंग है तो आपको आपके फ्यूचर का पता चलेगा, और आप इस पड़ाव पे आ चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है तो उसका भी आपको पता चलेगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया, त्रिशिया डॉक्टर तृप्ति जैन से कर चुकी हैं और काफ़ी रेनाउंड और काफ़ी पॉपुलर हैं, और ये काफ़ी कैंप्स भी करती हैं ऋषिकेश में, और काफ़ी लोगों से इनका जुड़ाव है. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इनसे जुड़ें, और जो भी आपके परेशानी हैं, वरीज हैं, उनको भूल के आप सहायता लें और अपनी लाइफ को अच्छे बनाएं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.